नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट। मैं हूं आपके साथ ऋषभ और आज हम बात करेंगे मदरसों पर हो रही सियासी बयानबाजी की। मध्य प्रदेश सरकार ने यह तय किया है कि प्रदेश में कट्टरता और अतिवाद फैलाने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, यानी अब से प्रदेश में अतिवादी कट्टरपंथी सरकार के टारगेट पर होंगे। राजधानी में हुई लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट कर दिया है कि कानून व्यवस्था के नाम पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लेकिन सीएम के फैसले में शामिल शब्द मदरसे को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि मदरसा शब्द का इस्तेमाल जानबूझकर किया गया है। चुनावी साल में बीजेपी हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलकर फायदा उठाना चाहती है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? बीजेपी का इस पर क्या स्टैंड है और कांग्रेस क्यों मुखालफत कर रही है? पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर करेंगे बिग डिबेट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ी बैठक की। बैठक में सीएम ने कट्टरता का पाठ पढ़ाने वाले अवैध मदरसे और संस्थानों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम ने साफ तौर पर कहा कि कट्टरता का पाठ पढ़ाने वाले संस्थान और अवैध मदरसों का रिव्यू किया जाएगा। किसी भी हाल में कट्टरता और अतिवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम के बयान का समर्थन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी किया। हर किसी का रिव्यू होना चाहिए और हुआ है, तो मदरसे का क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? और हम लोग तो देखते हैं कि छात्रावासों के अंदर भी हम रिव्यू करते हैं, छात्र हैं नहीं है, मदरसे के नाम पर क्या हो रहा है। तो ये सरकार ने एक अच्छा निर्णय, वो सबके हित में है। देखिए, बुलडोजर चाहे मदरसे हो क्या कोई और हो, अवैध यानी अवैध होता है। अवैध में ये नहीं देखा जाता कि ये मदरसा है या ये स्कूल है। अवैध है तो अवैध है, सब जगह चलेगा। अवैध है तो चलेगा, अब क्यों नहीं चलना चाहिए? इधर सीएम शिवराज का बयान सामने आया, उधर कांग्रेस ने इस पर आपत्ति ले ली। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अब्बास हफीज ने कहा कि जब 20 साल सत्ता में रहने के बाद भी स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार फेल हो जाए तो चुनाव जीतने के लिए हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड को पिछले 15 साल में अपंग करने वाले सीएम आज मदरसे की बात कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें चुनाव जीतना है। आज महंगाई बेरोजगारी पे जनता सवाल पूछ रही है, इसलिए मदरसे का राग अलापना शिवराज जी ने और उनकी सरकार के लोगों ने शुरू किया है। यहाँ तक मेरी जानकारी है कि दिशा निर्देश दिए गए हैं मंत्रियों को, विधायकों को, कि वो भी इस मुद्दे को ट्वीट कर करके उठाएं और शिवराज जी के ही ट्वीट को वो सब कोट करने में लगे हुए हैं, ताकि प्रदेश के अंदर एक ध्रुवीकरण का माहौल बनाया जा सके। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, जनता मूल मुद्दों पर रहेगी, आपसे सवाल पूछेगी, उसके जवाब दीजिए। क्यों बेरोजगारी बढ़ी हुई है, क्यों महंगाई बढ़ी हुई है, इसी पे चुनाव होगा, इसी पे सवाल पूछे जाएंगे। भ्रमित करने के लिए इस तरह का मुद्दा बनाना जनता भी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये सही है कि किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए मुखिया को चारों ओर पैनी नजर रखनी पड़ती है, लेकिन मदरसा एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल करते ही सियासत की गुंजाइश खूब निकल आती है। और इस मामले में भी इस बार ऐसा ही हो रहा है, जबकि अभी बैठक से सिर्फ बयान ही निकलकर सामने आया है। इस बयान पर आगे जब कार्रवाई होगी तब सियासत का रंग क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। वैसे भी एमपी में ये चुनावी साल है, जो ना देखने को मिले वो भी कम है। अतुल शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो मुख्यमंत्री के इस फैसले के बाद क्या मदरसों पर भी अब राजनीति शुरू हो जाएगी? इस पर ज्यादा हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे जी, बीजेपी प्रवक्ता विकास बूंदिया जी और वरिष्ठ पत्रकार योगी राज योगेश जी। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करेंगे बीजेपी प्रवक्ता विकास बूंदिया जी से। विकास साहब, मदरसों को लेकर एक बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है, और भी राज्य हैं जहां पर बीजेपी का शासन है, क्या वहां की कार्रवाई को देखते हुए यहां पर भी इस कार्रवाई को लागू किया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव के दौरान उन चीजों का फायदा उठाया जा सके? विकास साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी,
विकास साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? मुझे आवाज आ रही है आपकी। जी, मेरा सवाल आप सुन पाए? हाँ हाँ, मैंने सुना, मैं जवाब देता हूँ। जी, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि मिन साहब ने कट्टरता फैलाने वालों के खिलाफ निर्णय लिया है। हेलो जी, सुन पा रहे हैं? कहें। हाँ, मेरे जवाब सुनिए ना। जी, सुन पा रहे हैं विकास जी, कहिए। हाँ हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है। हेलो, कंटिन्यू कीजिए विकास जी, अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि सीएम साहब ने, सरकार ने जो निर्णय लिया है वो कट्टरता फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय, ठीक है, सीएम साहब ने लिया है निर्णय कि जो सोशल मीडिया में कट्टर लेखन करते हैं उनको वॉच किया जाए और अगर वो अवैधानिक है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। देखिए, बात आ रही है कट्टरवाद क्या होगा। अगर मदरसों में मदरसा संचालन के लिए एक पद्धति बनी हुई है, अगर वो छात्रों को अच्छी बात सिखाते हैं जो मदरसे के करिकुलम में अप्रूव्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है। वैधानिक मदरसे हैं, वहां वैधानिक रूप से पढ़ाई हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, सरकार चाहती है और सरकार को शिक्षकों को और नवीनीकरण करना चाहती है। लेकिन अगर वहां पे कट्टरवाद की शिक्षा दीक्षा दी जा रही है, खराब चीजें बताई जा रही है, छात्रों का मानस अपराध करके उनका दुरुपयोग करने का प्रयास किया जा रहा है अपने कट्टर मंसूबों के लिए, तब ये बातें आती हैं। अवैध मदरसों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? अगर अवैध स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए तो अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई। विकास साहब, बड़े निवेदन के साथ आपको बीच में रोक रहा हूं मैं, लेकिन मैं समझना चाहूंगा विकास गोंदिया जी की नजरों में कट्टरवाद की परिभाषा क्या है। और मेरा सवाल इसलिए भी क्योंकि अगर किसी मदरसे में अपने धर्म के प्रति समर्पण सिखाया जा रहा है तो क्या आप इसे कट्टरवाद मान रहे हैं? धर्म के प्रति समर्पण सिखाना कोई कट्टरवाद नहीं। धर्म व्यापक तौर के ऊपर आपको परस्पर सहयोग बनाने की ही प्रेरणा देता है, भले ही वो कोई भी मत हो, धर्म हो, संस्कृति हो। लेकिन अगर मदरसों का दुरुपयोग करते हुए धार्मिक कट्टरवाद से मेरा मतलब है कि किसी अन्य धर्म के प्रति असहिष्णुता सिखाया जाएगा, उसके प्रति घृणा की भावना जगाना फैलाया जाना बता सिखाया जाएगा, घृणा के भाव के साथ में हिंसक होना सिखाया जाएगा, तो ये कट्टरवाद, ठीक है, घृणा और हिंसा। आपके पास आऊंगा विकास जी, वापस आऊंगा आपके पास। कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पांडे साहब, पूरी बात आपने विकास जी की सुनी, कट्टरता की परिभाषा भी वो दे रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि धर्म की आड़ में अगर ऐसी कट्टरता किसी बच्चे को सिखाई जा रही, किसी युवा को सिखाई जा रही, तो उस पर रोक लगाई जानी चाहिए? सरकार उस ओर कदम उठा रही है तो दिक्कत कहां है फिर? कहां उठा रही है, यही तो दिक्कत है। सरकार उठा लेती कदम तो दिक्कत नहीं थी, सरकार मुंह चला रही है इसलिए दिक्कत है। 18 साल से ये सरकार है, हर साल मदरसों की जांच करती है। अब तो इनको परिणाम बताना चाहिए कि मदरसों में किस टीचर ने गलत शिक्षा दी, किस टीचर को आपने बर्खास्त किया, किस टीचर को जेल में डाला, कितने वहां लोगों को गलत ट्रेनिंग दी गई। ये तो जनता के सामने अभी परिणाम बताने का सवाल था कि इतने मदरसों पर हमने कार्रवाई की, तो परिणाम तो कुछ दे नहीं रहे। 2-4-6 महीने बाद चुनाव है, बस इनको तो ये चुनावी साल नजर आ रहा है। और जब मदरसे में जा रहे हैं तो एक चीज तो उसमें जरूर डालें कि भाई मदरसे से जो लोग डिग्री दे रहे हैं उनकी डिग्री असली है या नहीं है, उसकी उनकी डिग्री में यूनिवर्सिटी प्रॉपर लिखा है कि नहीं लिखा है। क्योंकि आजकल लोग बगैर डिग्री के प्रधानमंत्री बन जाते हैं जिनकी डिग्री पर सवाल उठते हैं। तो मदरसों में अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे कट्टरता, ये सब कट्टरता का तो विरोध होना चाहिए, चाहे कहीं भी हो, चाहे मदरसों में हो या और कहीं हो। कट्टरता, घृणा, वैमनस्यता, ये तो पूरे देश में चली रहा है, कट्टरता का कंपटीशन चल रहा है। एक पार्टी के लोग या एक तरफ के लोग कट्टरता फैला रहे हैं तो दूसरे वाले फिर उससे डबल कट्टरता फैला रहे हैं, फिर इधर वाले 4 गुना फैला रहे हैं, फिर उधर वाले 8 गुना फैला रहे हैं। पूरे देश में कट्टरता का कॉम्पिटिशन चल रहा है और ये कट्टरता का कॉम्पिटिशन हमारे देश को बर्बाद कर देगा।
हमें शिक्षा पर बात करनी चाहिए। ये कह रहे हैं कि हम जांच करेंगे, जांच कैसे करेंगे? इनके पास जांच करने वाले लोग ही नहीं है, 21,000 स्कूलों में शिक्षक नहीं है मध्य प्रदेश के, कैसे जांच करेंगे ये? 2,000 स्कूल इनके रहते अभी 2 साल में बंद हो गए। जब स्कूल नहीं चला पा रहे हैं तो ये जांच किस आधार पर करेंगे? 23% स्कूलों में बिजली नहीं है जो सरकारी स्कूल है, तो ये कहां से जांच करेंगे? संविदा शिक्षक रोज इनके घर पर जाकर बैठ रहे हैं कि भाई हमें परमानेंट कर दो। ठीक है पांडे साहब, शिवराज सिंह जी ने जाकर कहा था कि इन तमाम सवालों का जवाब ले लेते हैं विकास जी से, उसके बाद वरिष्ठ पत्रकार जी की ओर मैं बढ़ूंगा। विकास साहब, पूरी बात आपने सुने पांडे साहब की, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, शिक्षा की स्थिति बिल्कुल सही नहीं, और मदरसों पर एक्शन, और लंबे वक्त से लगता है विकास जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अभी एक बार फिर से उनसे संपर्क करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश जी, मदरसों पर अब सियासत शुरू हो गई है, लेकिन यह भी देखने वाली बात है कि मदरसों को देखते हुए सियासत जो शुरू हुई है और उन पर जो एक्शन लिया जाएगा, वो एक्शन किस बात पर लिया जा रहा है? क्या मदरसों में जो सिखाया जा रहा है उस पर एक्शन लिया जा रहा है, या सिर्फ एक्शन लिया जा रहा है क्योंकि वो मदरसे हैं? देखिए, कुछ समय से मदरसों की जो एक्टिविटीज़ हैं, मदरसों से जो खबरें निकल के आई हैं, वास्तव में वो चौंकाने वाली हैं। और भोपाल में आप कल्पना करेंगे, ऐशबाग एक इलाका है भोपाल में जी, थाने से 200 मीटर दूर बांग्लादेश के मुजाहिदी संगठन के आतंकवादी वहाँ से गिरफ्तार किए जाते हैं, और वो क्या कर रहे थे? वो धर्म की शिक्षा दे रहे थे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य प्रदेश की पुलिस को पता ही नहीं था कि ये हो रहा है, ये ATS ने गिरफ्तार किया। तो ये सरकार का चूक भी है, और वास्तव में जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अब रिव्यू किया जाएगा, अरे रिव्यू किया जाने वाली तो बात कुछ है ही नहीं इसमें। यदि अवैध है तो आप बुलडोजर चलाइए ना सीधे, आप खुद कह रहे हैं कि अवैध मदरसों का रिव्यू होगा, तो ये तो कंट्राडिक्टरी बयान है। जब वो अवैध आपने उनको बता ही दिया है, तो अवैध पे तो फिर आप काय का उस पर रहम कर रहे हो? आप उसको तोड़ो, आप उस पर बुलडोजर चलाइए। तो ये इस तरीके के बयान थोड़े से बड़े चिंताजनक होते हैं। लेकिन योगेश जी, ये भी तो बात गलत नहीं है कि बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं जहां पर वहां के मौलानाओं को सैलरी नहीं मिल रही, बच्चे वहां पर नहीं पहुंच रहे हैं, दिक्कतें वहां पर भी हैं, सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल देना चाहिए। यदि मान लो उनको उनके उनके वेतन की पर्याप्त व्यवस्था की जाए, उनके जो और जो शैक्षणिक खर्चे हैं उनकी व्यवस्था की जाए, तो इस पर सरकार को काम करना ही चाहिए। और ये बात सही कि कई जगह जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ था कि सरकार से एड ले रहे थे, लेकिन उसमें एंटी टेररिज्म एक्टिविटीज हो रही थी, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो सरकार उस पर मॉनिटरिंग करे, सरकार उस पर नजर रखे, और वास्तव में इन सबका पर्दाफाश होना चाहिए। कौन मौलाना, कौन मौलवी, कौन सा मदरसा, यदि इस तरह चल रहा है तो सरकार को ऐसे उदाहरण देने चाहिए। अब मध्य प्रदेश में तो मैं कई जगह ऐसी खबरें आती कि CM राइज स्कूल में मजारे निकल रही थी। तो सरकार को थोड़ा सा इस मामले में संवेदनशील होना चाहिए, और केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश इस समय हम बोलते जरूर है कि शांति का टापू है, सरकार बोलती जरूर है कि शांति का टापू है, लेकिन ऐसा हकीकत में नजर आता नहीं है। खरगोन में एक SP को गोली मार देता है गुंडा, और आज आप उसको आज तक पकड़ नहीं पाते। तो इन चीजों पे बहुत गंभीरता से लगाम लगाने की जरूरत है, और सरकार को करके दिखाना चाहिए। तो योगेश जी, इस बात से क्या समझा जाए कि देर आए दुरुस्त आए, या फिर चुनावी माहौल बनाने के लिए सिर्फ ये पूरा कार्यक्रम तय किया गया है? नहीं देखिए, ये तो पूरे साल भर चलने वाला प्रोग्राम होना चाहिए, इसको चुनाव के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। और यदि सरकार ऐसा सोचती है ये चुनाव आ रहे हैं या हमको वोट मिल जाएंगे, तो ये सब ये लोग भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं। यदि आप वास्तव में एक्शन लेना चाहते हैं तो आपको किसी ने नहीं रोका, किसी भी मदरसे पर, किसी भी अवैध अड्डे पर कोई सरकार कोई पुलिस एक्शन लेती तो कोई रोकता थोड़ी उनको। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल सही। ठीक है पांडे साहब, हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस प्रवक्ता, उनके पास जाऊंगा। पांडे साहब, मदरसों को लेकर जो राजनीति शुरू हो गई है, उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 7,500 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे थे, उन पर कार्रवाई की गई। उत्तर प्रदेश में जैसी कोई कार्रवाई होती है, मध्य प्रदेश में भी वैसी ही कार्रवाई देखने को मिलती है। अगर मैं बुलडोजर की बात करूं, अगर मैं मदरसों की बात करूं, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा थे, मध्य प्रदेश में बुलडोजर मामा हो गए। आपको लगता है कि दूसरे राज्यों की चीजें यहां पर नियुक्त की जा रही हैं, और कहीं ना कहीं उसको वोट बैंक का जरिया भी बनाया जा सकता है, चूंकि विधानसभा चुनाव? UP में कोई मदरसा बंद नहीं किया गया है, बल्कि केंद्र सरकार ने मदरसों के लिए एक नई मंजिल योजना एक्स्ट्रा शुरू कर दी है। तो ये सब मैं बोलता हूं ना कि ये केवल बातें करते हैं। मोहन भागवत जी कहते हैं कि हिंदू और मुसलमानों का DNA एक है, और सबसे बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
चार बार के चार प्रदेशों के राज्यपाल रहे सतपाल मलिक कहते हैं कि पुलवामा हमला इसलिए कराया गया था जिससे पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम कर सके और हमारे सेना के 40 से लोगों को शहीद करवा दिया गया। और भारतीय जनता पार्टी ना तो उनको पार्टी से बात बाहर करती है और ना ही भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता कोई नेता पूरे देश में सतपाल मलिक पर मानहानि का दावा ठोकता है। सतपाल मलिक पर मानहानि का दावा कोई नहीं ठोक रहा है, इसका मतलब सतपाल मलिक सच बोल रहे हैं। देश में जो मुद्दा चल रहा है महंगाई का है, बेरोजगारी का है, रोजगार का है। अबे मदरसा वाला हो स्कूल वाला हो आप रोजगार दो, जो देश की समस्या जो है वो सारी रोजगार से जुड़ी हुई है। अब मदरसों का मैंने जो डाटा पढ़ा, देश के अंदर 270,000 विद्यार्थी मदरसों में पढ़ रहे हैं और मध्य प्रदेश में गरीबी के कारण 4,00,000 विद्यार्थी अभी 2 साल में स्कूल छोड़ चुके हैं। तो गरीबी का आलम तो ये है, गरीबी के कारण हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो सब परेशान है। आप रोजगार के अवसर बढ़ाइए, मध्य प्रदेश पर लोन 4,00,000 करोड़ का हो चुका है, झूठी घोषणा चल रही है। वापस आऊंगा आपके पास। विकास जी पूरी बात आपने पांडे जी की सुनी, शिक्षा व्यवस्था तो सही तरीके से सरकार कर नहीं पा रही है, मदरसों पे एक्शन आप ले रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं जहां पर उन्हें सैलरी नहीं मिल रही, बच्चे नहीं पहुंच रहे, और तो और पांडे साहब जैसा बता रहे थे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो हैं गरीबी के चलते स्कूल छोड़ चुके हैं। तो आपको नहीं लगता पहले शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, महंगाई पर ध्यान देना चाहिए, बेरोजगारी पर ध्यान देना चाहिए? रोजगार भी बढ़ा रही है, शिक्षा का भी प्रसार कर रही है। शिक्षा में हमने जो टारगेट सचिव की स्कूलों का निर्माण किया है, उन्नत स्कूलों का निर्माण किया है, वो सब आपके सामने है। लेकिन कांग्रेस बिला वजह, अगर मुद्दे की बात ये हो रही है कि कट्टरवाद समाज को हानि पहुंचाता है, अरे पढ़ लिख के भी आप कट्टरवाद करेंगे अगर या बिना पढ़े लिखे भी कट्टरवाद करेंगे तो उससे समाज का प्रहास होता है ना, समाज में उससे वैमनस्य फैलता है, समाज में अराजकता आती है, समाज में दंगे फसाद होते हैं, संपत्ति का नुकसान होता है, व्यक्ति का नुकसान होता है, लॉ एंड ऑर्डर का नुकसान होता है। तो क्या लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से जो चीजें जरूरी है उस पर काम नहीं करना चाहिए क्या? लेकिन विकास साहब ये बात भी तो गलत नहीं है, विकास साहब ये बात भी तो गलत नहीं है, बीजेपी की सरकार में मदरसों का भी तो गलत चीजें हुई है ना, मदरसों का डाउन भी फॉल हुआ है, क्योंकि बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं जहां पर विकास साहब बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं जहां पे उलेमाओं को वहां पर नहीं मिल रहा है, पेंशन नहीं मिल रही, वहां पर बच्चे नहीं पहुंच पा रहे हैं। बच्चे कैसे नहीं पहुंच रहा है, मदरसा बनाता कौन है, मदरसा चालू कौन करता, वो भी एक समिति होती है ना, बोर्ड के अधीन काम करती है, ठीक है, वो जो समिति मदरसा संचालन करने वाली समिति बनाती है। विकास साहब मदरसा बोर्ड को कोई सहूलियत मिली सरकार की तरफ से ताकि वो मदरसों को संचालित कर पाए? मैं बात क्या कर रहा हूँ, मदरसा बोर्ड अगर सुविधाएं नहीं दे रहा होता तो इतने सारे वैध मदरसे चलते क्या? और दूसरी बात, एक मिनट, पांडे जी कुतर्क कर रहे हैं, पांडे जी का कुतर्क ये है कि आप साहब सहूलियत नहीं दे पा रहे तो क्या अवैध मदरसे चलेंगे? वो क्या सरकार की मदद से चल रहे हैं, अवैध मदरसे चल सकते हैं? और बात कर रहे हैं पांडे जी की वैध मदरसों की तुलना से उसे कर रहे हैं, अरे भाई अवैध मदरसे क्यों चल सकते हैं फिर? क्या सरकार की सहायता वहां पहुंचती है क्या? अगर सरकार की सहायता पहुंच रही होती तो वो वैध नहीं हो गए होते। तो ये कहना कि साहब अवैध चल रहे हैं सरकार सुविधा नहीं दे रही, ये तो दोनों अलग अलग पहलू है। कहीं किसी मदरसा को विभिन्न औपचारिकताओं के अपूर्ण होने के कारण सरकारी मदद नहीं मिलती है तो समिति की जवाबदारी है कि वो पूर्ण औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए सरकार की मदद पाए। सरकार ने तो बजट मदरसा बोर्ड के माध्यम से जो प्रचलित बजट है उसको भी बढ़ाया है, हमने तो मदरसों में भी कंप्यूटर की शिक्षा हो सके, बेहतर शिक्षित वहां के छात्र छात्राएं हो इसकी भी व्यवस्था की है। लेकिन बात अभी पर्टिकुलरली क्या आ रही है, देखिए अगर स्कूलों की में कोई कमी है तो क्या अवैध मदरसा संचालन करने दिया जाएगा? अरे मुझे लगता है कांग्रेस को भी इस मामले में स्टैंड ये लेना चाहिए कि कोई भी अवैध प्रकार की चीज हो जो कि शासकीय विधान के खिलाफ ही नहीं है समाज के हित के भी खिलाफ है वो बंद होनी चाहिए। अरे भैया वैध करिए ना, विकास साहब वापस आऊंगा आपके पास। पांडे साहब पूरी बात आपने विकास जी की सुनी, जो गलत तरीके से संचालित हो रहे हैं और जहां पर बच्चों का भविष्य खराब हो सकता है वहां पर एक्शन क्यों ना लिया जाए?
बात जिक्र कर रहे थे योगेश जी ऐशबाग के मदरसे की, जहां पर कुछ गलत गतिविधियां चल रही थी। अगर ऐसे मदरसे चल रहे हैं तो उन पर एक्शन लिया जाना चाहिए। सरकार अगर ऐसी जगह एक्शन ले रही तो सही कर रही है जी। यदि बोनिया जी सही कह रहे हैं तो शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि कोई मदरसा चलेगा तो बिल्डिंग होगी, छोटा मोटा खेल का मैदान होगा, छोटी मोटी लाइब्रेरी होगी, बिजली कनेक्शन गया होगा एमपीईबी से, पानी का कनेक्शन गया होगा जल विभाग से, वहां तक के लिए रोड गई होगी नगर निगम की या पीडब्ल्यूडी की। क्या इतनी बड़ी बिल्डिंग 100-200-500 बच्चे आते जाते होंगे कि ये सब अवैध चल जाएगा? और फिर भी ये अवैध चल रहा है, हर गली मोहल्ले में सरकार के कर्मचारी किसी ना किसी तरीके से घूमते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का कर्मचारी हो। पुलिस का अपना एक खुफिया विभाग होता है, उसके बावजूद भी इतना बड़े और पूरे प्रदेश में देश में अवैध मदरसे चल रहे हैं और हमारे मध्य प्रदेश की सरकार को नहीं पता है, तो ऐसी सरकार को तो तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए कि जहां 1,500 बच्चे पढ़ रहे हैं और सरकार को पता नहीं और सब कुछ अवैध चल रहा है, वहां सब कुछ गलत ट्रेनिंग दी जा रही है। इसलिए मैंने अपनी डिबेट में शुरुआत में ही कहा था कि आप ये बताइए कि मदरसों पर 18 साल में आपने क्या क्या कार्रवाई की, किस टीचर पे, किस स्टूडेंट पे आपने कार्रवाई की, समिति के लोगों पर क्या कार्रवाई की। अब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद ये बताने की जरूरत है कि आपने क्या कार्रवाई की। और ये मदरसों की बात है, अभी देश को पूरे गड्ढे में एक आदमी अदाणी ने बर्बाद कर दिया। सतपाल मलिक ने कहा है कि अदाणी पर यदि उंगली उठाई तो पूरी भारतीय जनता पार्टी को बर्बाद कर देगा। भाई उस अदाणी पर कार्रवाई नहीं हो रही है, ये मदरसों पर भी आप कार्रवाई कीजिए जो गलत तरीके से कर रहे हैं, लेकिन जो पूरे देश को बर्बाद कर रहा है उस पर आप कोई कार्रवाई नहीं करते। उस पर कार्रवाई पर हमारे सांसद, हमारे राहुल गांधी जी को आप उनकी सदस्यता खत्म कर देते हैं। तो ये देश के प्रदेश के और भी मुद्दे हैं जिनसे जनता का भला हो सकता है, और मैं तो कहता हूं मदरसों में कुछ गलत हो रहा है तो अभी कार्रवाई कीजिए। आप एक महीने का इंतजार क्यों करते हैं? और मैं कई बार डिबेट कर चुका हूं, मैं हमेशा यही बोलता हूं कि आप परिणाम बताइए, आप ये मत बोलिए कि हम ये करेंगे वो करेंगे। आप लिस्ट लेकर आइए और बताइए कि हमने इतने मदरसों पर कार्रवाई की और वहां ये गलत गतिविधियां चल रही थी। ठीक है विकास जी, पांडे साहब कह रहे हैं कि अगर कुछ गलत गतिविधियां चल रही हैं वहां पर तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए ना। अब उसको वॉच करेंगे आप, अगर कुछ चीज अवैध तरीके से चल रही है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए। ये संदर्भ क्या है, हमारी चर्चा का संदर्भ कहां से खड़ा होता है? सीएम साहब ने लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा की है, बेसिकली महंगाई और बेरोजगारी है, आप धरना पर लेकर आना, हम महंगाई और बेरोजगारी पर लेके जाएंगे। ये आपके काल्पनिक मुद्दे जानने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा मुद्दा रोजगार है, देश के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। पांडे नहीं, पांडे नहीं जाना, हम बात को रोजगार पर ले जाएंगे, देश के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। जो शोर आप करते हैं इससे जनता व्यथित भी नहीं होती, व्याकुल भी नहीं होती और आपके लिए वोट भी नहीं देती। शोर जी 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 जी, मुद्दे पे बात, मुद्दे पे बात करिए, शोर ना करिए। सत्तर साल के शोर को नहीं थी वोट, सत्तर साल को जनता नकार चुकी है। क्या अमेरिका के लोग वोट डालने के लिए आ रहे थे? पांडे जी आपको कितने साल हुए? अभी कर्नाटक में देख लेना, क्यों आपके बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री छोड़कर जा रहे हैं? पूरी बीजेपी कर्नाटक छोड़कर जा रही है, क्यों जा रही है? आपके लोग जीत रहे हैं। विकास साहब, राम पांडे साहब, चर्चा अपने अंतिम दौर में, आखिरी सवाल में वरिष्ठ पत्रकार से लेना चाहूंगा। अगर आप फाउल गेम खेलोगे, खुद फाउल करोगे तो ऐसे ही भटकते रहोगे। ठीक है पांडे साहब, विकास साहब, क्या है गेम को क्या चर्चा अपने अंतिम दौर में, आखिरी सवाल में लूंगा योगेश जी से। योगेश साहब, मदरसों पर जिस तरीके से अब राजनीति शुरू होगी, बयानबाजी भी शुरू होगी और लाजमी है, विधानसभा चुनाव है और उससे पहले ऐसे बहुत सारे मामले भी सामने आएंगे, लेकिन यह भी सरकार को तय करना होगा कि मदरसों के अलावा भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए सरकार तो अपने हिसाब से निर्णय लेती है और उसको जो मुफीद होता है उस पर वो एक्शन लेने लगती है। अब ये विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार क्या चाहती है, आप उसके या तो घेरे में ना आए, और आपको उतनी संवेदनशीलता उसी मुद्दे पर बरतनी होगी, सरकार क्या चाहती है और आप क्या करना चाहते हैं। अब मदरसों पर यह बात सही, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि देश के कई ऐसे मदरसे हैं जहां से आतंकवादी निकलते हैं, ये प्रमाणित है। तो यदि ऐसे, और मध्य प्रदेश के भी मैंने गिनाए आपको, मध्य प्रदेश में भी मैं बोल रहा हूँ आपको, उज्जैन, बुरहानपुर, बड़वानी, खंडवा, ये सब सेंसिटिव इलाके हैं,
आप चले जाइए, मतलब यहाँ सामान्य तौर पर धार्मिक जुलूसों पर आए दिन पथराव होते हैं, तो इस इन सब पे तो एक्शन लेना चाहिए। लेकिन सरकार का थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि ये एक्शन लेने में देरी क्यों करते हैं। कोई भी किसी भी जगह से पत्थर आ रहा है, किसी भी मस्जिद से ऐसा हो रहा है या किसी भी मदरसे से ऐसा हो रहा है, तो उसको नेस्तनाबूद ही कर देना चाहिए। केवल ये बताना कि साहब योगी जी ने इतना काम किया हम भी ऐसा करेंगे, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को दिखाना चाहिए, अगर कुछ गलत हो रहा है तो तुरंत वहां पर कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि उससे सबक मिल सके और आगे ऐसी गतिविधियां ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, बीजेपी प्रवक्ता विकास साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे और वरिष्ठ पत्रकार योगी राज योगेश जी जुड़े हुए थे। तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपने तर्क रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात कर रहे थे मदरसों में जिस तरीके से अब मध्य प्रदेश में सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है, देखने वाली बात यह है कि अब इस बयानबाजी का असर आने वाले वक्त पे सरकार और जनता पर कितना पड़ता है। एक नए विषय के साथ और एक नई चर्चा के साथ कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।